मध्य प्रदेश के इंदौर में चिड़ियाघर से अच्छी खबर आई है। रविवार को यहां पर अफ्रीकी जेबरा ने बच्चे को जन्म दिया है। जेबरा को 6 महीने पहले गुजरात के जामनगर चिड़ियाघर से इंदौर लाया गया था। देखिए 6 महीने पहले हम लोग इसको जामनगर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लेके आए थे, और ये हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि जब लेके आए थे तभी ये वहाँ से मेट होके आई थी, और यहाँ पर जिस तरह से उसका जो डेवलपमेंट चल रहा था उससे जरूर लग गया था कि कहीं ना कहीं बच्चे को जन्म देने की तैयारी है इसकी। उसी तरह से हम लोगों ने फिर इसकी केयरिंग भी शुरू कर दी थी, और आज परिणाम सामने कि एक स्वस्थ बच्चे को रात के 12 बजे फीमेल ने जन्म दिया है। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक विदेशी जानवर स्ट्रेस फ्री माहौल में ही बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल ब्रीड तभी करता है जब वो स्ट्रेस फ्री हो, उसमें किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, चाहे फिजिकल मेंटल या और भी किसी तरह का एनवायरमेंटल, इस तरह का जो स्ट्रेस लेवल रहता है वो कहीं ना कहीं ब्रीडिंग को अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने सारी चीजें उनके लिए जितने प्रयास हम लोगों से हो सकते थे हम लोगों ने सारे किए, और इसी के परिणाम है कि हमारे एनिमल्स ब्रीड कर रहे हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक इस खुशखबरी के बाद अब वे अपने यहाँ और विदेशी जानवरों को लाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में चिड़ियाघर से अच्छी खबर आई है। रविवार को यहां पर अफ्रीकी जेबरा ने बच्चे को जन्म दिया है। जेबरा को 6 महीने पहले गुजरात के जामनगर चिड़ियाघर से इंदौर लाया गया था। देखिए 6 महीने पहले हम लोग इसको जामनगर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लेके आए थे, और ये हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि जब लेके आए थे तभी ये वहाँ से मेट होके आई थी, और यहाँ पर जिस तरह से उसका जो डेवलपमेंट चल रहा था उससे जरूर लग गया था कि कहीं ना कहीं बच्चे को जन्म देने की तैयारी है इसकी। उसी तरह से हम लोगों ने फिर इसकी केयरिंग भी शुरू कर दी थी, और आज परिणाम सामने कि एक स्वस्थ बच्चे को रात के 12 बजे फीमेल ने जन्म दिया है। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक विदेशी जानवर स्ट्रेस फ्री माहौल में ही बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल ब्रीड तभी करता है जब वो स्ट्रेस फ्री हो, उसमें किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, चाहे फिजिकल मेंटल या और भी किसी तरह का एनवायरमेंटल, इस तरह का जो स्ट्रेस लेवल रहता है वो कहीं ना कहीं ब्रीडिंग को अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने सारी चीजें उनके लिए जितने प्रयास हम लोगों से हो सकते थे हम लोगों ने सारे किए, और इसी के परिणाम है कि हमारे एनिमल्स ब्रीड कर रहे हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक इस खुशखबरी के बाद अब वे अपने यहाँ और विदेशी जानवरों को लाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।